दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम आपको 5 बॉडी बिल्डिंग सुपर फूड के बारे में जानकारी देंगे। ये सारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स आपके बजट में होंगे और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इनको लेने का सही समय कौन सा है और कितनी क्वांटिटी में आप इन चीजों को लेंगे, जिससे कि आप सस्ते दामों में एक अच्छी फिजिक बिल्ड कर सकें। तो चलिए दोस्तों अब ज्यादा देर न करते हुए अपने मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बॉडी बनाने के लिए हमारी डाइट का सही होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी डाइट सही नहीं है तो हम एक अच्छी बॉडी नहीं बना सकते। ये जो हम आपको 5 बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में बता रहे हैं, इन्हें आप अपनी डाइट में अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, अंडे। दोस्तों जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात आती है तो बे प्रोटीन के बाद अंडे का नाम सबसे ऊपर आता है। एक मीडियम साइज के अंडे में करीबन 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 78 कैलोरी होती हैं और बहुत सारे अमीनो एसिड भी आपकी बॉडी को अंडे से मिल जाते हैं। अगर आपका बजट बे प्रोटीन का नहीं है तो आप पोस्ट वर्कआउट में यानी कसरत करने के बाद में 6 एग वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 एग वाइट से आपकी बॉडी को 18 से 20 ग्राम के करीबन लीन प्रोटीन मिल जाता है और बहुत सारे जरूरी अमीनो एसिड भी आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। अंडे के सफेद भाग में फैट बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप लीन फिजिक बनाना चाहते हैं तो अंडे के सफेद भाग का इस्तेमाल करें। पीला वाला भाग आपको नहीं लेना है क्योंकि पीले वाले भाग में फैट की काफी मात्रा होती है। तो दोस्तों जो लोग लीन बॉडी बनाना चाहते हैं उन्हें पोस्ट वर्कआउट में 6 एग वाइट लेने हैं। पीला वाला भाग आपको पोस्ट वर्कआउट में बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि इससे आपकी बॉडी में फैट आ जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप 2 अंडे के पीले भाग को दिन में और किसी टाइम खा सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट में आपको पीला भाग नहीं खाना है। और दोस्तों जो लोग बॉडी का साइज गेन करना चाहते हैं वो लोग पोस्ट वर्कआउट में 4 अंडे के सफेद भाग के साथ में 2 अंडे का पीला भाग भी ले सकते हैं। नंबर 2, मूंग दाल। दोस्तों मूंग दाल से बने हुए स्प्राउट हर बड़े बॉडी बिल्डर की पहली पसंद है क्योंकि मूंग दाल में आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिनरल्स एक साथ मिल जाते हैं। और दोस्तों मूंग दाल से बने हुए स्प्राउट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे पाचन तंत्र को सही रखते हैं और हम दिन भर में जो भी डाइट लेते हैं वो आसानी से हजम हो जाती है। दोस्तों 100 ग्राम मूंग दाल की बात करें तो इसमें आपको प्रोटीन मिलता है 24 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 63 ग्राम, कैलोरी 347, फाइबर 16 ग्राम, फैट इसमें आपको ना के बराबर मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हम दिन भर में जो भी डाइट लेते हैं उसमें फाइबर जरूर होना चाहिए क्योंकि फाइबर हमारे पेट की सफाई का काम करता है। अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी हो जाती है तो आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाएंगे और जब आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाएंगे तब आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिशन एक साथ मिले तो 50 ग्राम मूंग दाल से बने हुए स्प्राउट को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। आप इसे प्री वर्कआउट यानी कसरत करने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं या फिर दिन में किसी भी समय आप इसका यूज कर सकते हैं। नंबर 3, ओट्स। दोस्तों ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बेहतरीन सोर्स है। 100 ग्राम ओट्स में 66 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 17 ग्राम के करीबन प्रोटीन, 10 ग्राम फाइबर, फैट 0, कैलोरी 385 और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन आपको ओट्स से मिल जाते हैं। हर बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर ओट्स का सेवन जरूर करते हैं। तो दोस्तों आप 50 ग्राम ओट्स का दिन में किसी भी समय यूज कर सकते हैं। दोस्तों ओट्स थोड़ा सा महंगे होते हैं, अगर आपका बजट कम है तो आप इसकी जगह पर देसी दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, ग्रीन टी। दोस्तों एक अच्छी स्वास्थ्य बॉडी बनाने के लिए हमारी इम्यूनिटी का बूस्ट होना बहुत जरूरी है, इसलिए हर बॉडी बिल्डर ग्रीन टी को अपनी डाइट में ऐड जरूर करते हैं। ग्रीन टी हमें कई रोगों से बचाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। दोस्तों ग्रीन टी के बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ग्रीन टी का एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग से बना दूंगा, तो आप दिन में लंच करने के बाद में एक ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, पनीर। दोस्तों पनीर भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का मिला जुला सोर्स है, लेकिन इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में फैट की भी काफी अच्छी मात्रा होती है। 100 ग्राम पनीर की बात करें तो इसमें प्रोटीन 18 ग्राम के करीबन होता है, फैट 20 ग्राम होता है, 1.2 के करीबन कार्बोहाइड्रेट और दोस्तों इसमें
बहुत सारे पोषक तत्व तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह। आप 100 ग्राम से ज्यादा पनीर का इस्तेमाल ना करें। आप इसको डिनर में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैसीन प्रोटीन होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बॉडी बिल्डिंग सुपर फूड जिन्हें आप अपने हिसाब से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड रियल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो।